हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये ओकिनावा का प्रेस प्रो, और इसका जो ओनरशिप रिव्यू है वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। तो स्वागत करते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के जो ओनर है। तो सर, सबसे पहले जो अपने व्यूअर्स हैं इनको अपना नाम बताइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भवानी सिंह। तो सर, आप वानी जी ये बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये आपने कब लिया था? ये मेरे को लगभग एक साल हो चुका है, मतलब 2022 मॉडल है ये। 2022 मॉडल है, एक साल हो चुका है। तो ये जब आपने लिया था उस टाइम इसकी जो प्राइस थी वो क्या थी? इसकी प्राइस थी 90,000। ऑन रोड प्राइस आपको 90,000 में ये पड़ी थी। तो सर, आप ये बताइए कि मार्केट में जैसे और भी बहुत सारे स्कूटर है, पेट्रोल वाले स्कूटर भी है, तो आपका जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का है वो रीज़न क्या है सर? सर, मेरा मतलब मेन रीज़न तो ये है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का, क्योंकि पेट्रोल के जो बढ़ते प्राइस है, ठीक है, और मेरे को इलेक्ट्रिक स्कूटर मतलब नॉर्मल यूज में लेना होता है। अच्छा, आपका रीज़न मेन ये है कि एक तो जो पेट्रोल की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपको नॉर्मल यूज के लिए चाहिए होता है। इसे मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर और भी है, बहुत सारे है कंपनियों के, अलग अलग कंपनियों के। तो आपका ये जो प्रेस प्रो है यही लेने का मेन रीज़न क्या रहा है सर? देखो सर, मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर और भी है, लेकिन मतलब और के मुकाबले में मेरे को इसका फीडबैक बहुत अच्छा लगा जी। लोगों ने मतलब ज्यादा पसंद कर रखा है, प्लस उनके मुकाबले इसकी प्राइस भी उनसे बहुत अच्छी है, मतलब कम है। अच्छा, तो आपने जब ये लिया तो आपने फीडबैक देखा होगा और इसकी जो फीडबैक आपको बहुत मतलब अच्छा दिखे और प्राइस भी बाकी मुकाबले इसका बहुत अच्छी कम है। तो सर, अपने व्यूअर्स को आप ये बताइए कि जैसे इसको आप फुल चार्ज करते हो तो कितना टाइम लग जाता है इसमें फुल चार्ज होने में? इसको फुल चार्ज करने में मेरे एक्सपीरियंस से 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है? और जैसे 3 घंटे में चार्ज होती है तो कितने यूनिट कंज्यूम करती है ये? 3 घंटे में चार्ज होती है तो 3 यूनिट कंज्यूम कर जाती है। 2 से 3 यूनिट में फुल चार्ज हो जाती है। तो आप ये बताइए कि जैसे मान लो ये फुल चार्ज आपने कर ली, फुल चार्ज करने के बाद ये कितने किलोमीटर तक चल जाती है? ये फुल चार्ज करने के बाद इसमें 2 मोड दिए होते हैं, ठीक है, एक होता है इको मोड और दूसरा स्पोर्ट्स मोड। तो इसको हम इको मोड पे चलाएंगे तो ये 100 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल जाएगी। और अगर हमें मतलब स्पोर्ट्स मोड पे चलाना है, उससे क्या है थोड़ी भागती भी है तो उससे ये गाड़ी कम चलेगी, 70 से 75 किलोमीटर चलती है। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर हम एवरेज निकाले इको, क्योंकि आप इको मोड में भी नहीं चलाओगे और स्पोर्ट्स मोड में भी पूरी नहीं चलाओगे, कभी आप इको मोड में चला रहे हो कभी स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो, तो अगर हम एवरेज की बात करें तो ये फुल चार्ज होने के बाद 70 से 80 किलोमीटर ये चल जाती है, है ना? तो सर, आप ये बताइए कि ये जो आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये अब तक लगभग कितना किलोमीटर चल चुका है? ये लगभग 10,000 किलोमीटर चल चुका है। तो मतलब आपने ये 10,000 जो है किलोमीटर चला चुके हो इसको, तो आपने इसकी सर्विस भी कराई होगी, कितनी सर्विस करा चुके आप? इसकी मैंने मतलब 3 सर्विस करवा ली है अभी तक। 3 सर्विस कराई है, तो आप मतलब 3 सर्विस कराई तो उसका सर्विस कॉस्ट है वो कितनी आपके थी? ये लगभग 350 रुपये, मतलब एक सर्विस 300 या 350 रुपये में हो जाती है जी, मतलब कि ज़्यादा कॉस्टली सर्विस इसकी नहीं है। तो सर, आप ये बताइए जैसे आपने ये 10,000 किलोमीटर चला चुके हो तो इसकी जो कम्फर्ट के मामले में कैसी है गाड़ी? देखो, इसके कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट के मामले में इतनी बढ़िया तो नहीं है, जैसे हमें नॉर्मली यूज में लेना है 4 से 5 किलोमीटर। अच्छा, तो ये ठीक है, बाकी अगर हमें जैसे लंबा जाना है 20 से 25 किलोमीटर तो कंफर्ट में मतलब थोड़ा जैसे यहाँ से शोल्डर वगैरह भी दर्द करने लग जाता है, इसलिए मैंने तो इसको प्राइस कम देख के उस मारे लिए, ठीक है। बाकी कंफर्ट के मामले में इतनी बढ़िया नहीं है। Okay, सर, जैसे आपने इतने किलोमीटर चला चुके हो और आपने ऑन रोड ऑफ रोड भी इस गाड़ी को चलाया है, तो इसके सस्पेंशन के बारे में आप व्यूअर्स को कुछ बताइए, कैसे आपको सस्पेंशन लगे इसके? इसका सस्पेंशन के मुकाबले में तो ये मतलब पेट्रोल स्कूटर है ना, उसके मुकाबले ये कम है। हाँ, वो तो है ही, पेट्रोल के मुकाबले तो कमजोर होनी है, कमजोर है। हाँ जी। तो आप इसका बताइए कि इसका क्या सिस्टम है? इसका सिस्टम ये है कि अगर इसको हम ऑन रोड चलाते हैं तो कहीं गड्ढे वगैरह आते हैं तो हल्का मगर झटके वगैरह देने लग जाती है, तो मतलब सस्पेंशन कमजोर ही है। मतलब पेट्रोल के मुकाबले, स्कूटर के मुकाबले कमजोर ही है। तो आप ये बताइए कि जैसे इसकी जो ये बिल्ड क्वालिटी है
इसके बारे में कुछ बताएंगे कैसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी? इसकी बिल्ड क्वालिटी तो मतलब कमजोरी है। अच्छा। क्योंकि अगर ये कहीं मतलब गिर गिर गई या कहीं ठुक गई तो ये टूट वगैरह जाती है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, वैसे बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत कमजोर है जी। आपसे तो कभी आपका तो कभी काम पड़ा नहीं होगा ऐसा देख के लग रहा है। सर आप ये बताइए, जैसे कि मैंने इसमें देखा है कि इसकी जो हेडलाइट है वो यहाँ पे आगे की तरफ, बाकियों में यहाँ होती है, लेकिन इसमें यहाँ नहीं है, यहाँ नीचे की तरफ दी गई है। चलो ये तो ठीक है, इसकी जो है लुक को भी बढ़िया दिखाती है, लेकिन आप ये बताइए कि जैसे इसकी ये जो हेडलाइट है ये नाइट में आपने यूज की होगी, कैसी है इसकी हेडलाइट, मतलब टॉर्च वॉर्च कैसा पड़ता है? मैंने इसको मतलब एक दो बार नाइट में यूज करा है तो इसकी जो हेडलाइट है वो काफी अच्छी है, क्योंकि जो आगे का व्यू होता है वो हमें बहुत अच्छा क्लियर दिखता है जी। मतलब तो हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट सबसे मतलब बेस्ट लगी मेरे को। हाँ, वैसे नीचे दी गई है तो आगे का सारा व्यू तो दिख ही जाता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक साल का एक्सपीरियंस जो है अपने व्यूअर्स को बताया है, जिससे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको मान लो कि अगर गाड़ी लेनी है, ये ओकिनावा की फ्रेज प्रो जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसको भी लेना है वो इस वीडियो को देख के उनको बहुत सारी मदद मिलेगी। आपने अपना एक साल का एक्सपीरियंस उनको बताया है। अब दोस्तों इनको अलविदा कहते हैं, और इसके बारे में जो भी एक दो रिव्यू है वो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि क्या इसके अंदर फीचर्स है। तो ये इसकी की दी गई है, और इसमें की भी दो प्रकार की है, एक तो ये नॉर्मल की है, प्लस इसके अंदर ये जो है रिमोट पावर वाली की भी है, जिसमें ये बीच में एक बटन दिया गया है, इसको आप प्रेस करके इसको स्टार्ट और ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये इसको दो बार प्रेस करने पर ये ऑन हो चुकी है, और फिर इसको अगर आप दो बार प्रेस कर रहे हो तो ये ऑफ हो जाती है। मतलब कि की इसकी दोनों तरह से है, एक मैनुअल भी है प्लस इसकी जो ये पावर बटन है। तो दोस्तों हमने आज जो ओकिनावा की प्रेस प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसका ओनरशिप रिव्यू हमने आपको बताया है, और ये गाड़ी वैसे बहुत अच्छी है जैसा कि ओनर ने आपको बताया है, ठीक ठाक है अगर आप एक नॉर्मल यूज में घर में यूज के लिए काम में ले रहे हो। बाकी मैंने भी अभी इसको चला के देखा है तो बहुत ही ठीक है गाड़ी एकदम चलने में। यहाँ इसकी जो की आती है यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ ये दोनों ब्रेक दिए हुए हैं, और ये यहाँ पे इसकी रेस दी गई है, और आगे जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे बूट स्पेस भी काफ़ी है। आप कुछ भी जैसे मान लो के जा रहे हो और अगर आपको कुछ सामान रखना है तो आप यहाँ पे सामान रख के जा सकते हो। बाकी मैंने लाइट के बारे में आपको बीच में पहले ही बता चुका हूँ, पीछे की साइड भी एक पर्सन है वो आराम से बैठ सकता है, जिसके लिए फुटरेस्ट आराम से दिए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे और वीडियो गाड़ियों के रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड आपके कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।